हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो देखिए, एक और नई अपडेट आ रही है आपके एफिलेटेड कॉलेज से रिलेटेड। एंड किस एफिलेटेड कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ आपका सीएमपी डिग्री कॉलेज की। तो सीएमपी डिग्री कॉलेज ने अपनी जो है नई कट ऑफ को वापस से रिलीज़ कर दिया है। एंड जान लेते हैं सबसे पहले इसका काउंसलिंग शेड्यूल क्या रहने वाला है। तो इसका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो 22 तारीख का है, यानी कि कल आपको जो है सीएमपी के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल पर जाके अपनी काउंसलिंग को कंप्लीट कराना है। साथ ही साथ अब देख लेते हैं आपकी जो भी है कट ऑफ्स वगैरह क्या आई हुई हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका बीए कोर्स से। तो बीए में आप देखिए, अभी तक जो है आपकी कैटेगरी वाइज कुछ ना कुछ 10-20 नंबर, 50 नंबर जो भी है आपका कट ऑफ दे रहे थे। बट अभी देखिए, जो भी है आपका अनरिजर्व कैटेगरी को छोड़ के बाकी जितनी भी आपकी सारी कैटेगरीज होती है, यानी कि EWS, OBC, SC एंड ST, इन सारी कैटेगरीज के ऑल कैंडिडेट्स को एप्लीकेबल कर दिया गया है अपनी काउंसलिंग कराने के लिए। यानी कि जो लोग EWS, OBC एंड SC ST से बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ जो वो सारे लोग जो हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स, उनके कितने भी मार्क्स हों, वो यहाँ अपनी जो है काउंसलिंग को कंप्लीट करा सकते हैं फॉर बीए इन सीएमपी डिग्री कॉलेज। तो ये तो हो गया आपका बीए का कि ऑल कैंडिडेट्स आपके जितने भी कैटेगरी वाइज हैं सब लोग एप्लीकेबल हैं यहाँ। उसके बाद जो है हमारा बीएससी मैथमेटिक्स की अगर बात करें, तो अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ कट ऑफ आ रही है। तो अनरिजर्व कैटेगरी की आपकी बीएससी मैथ्स की क्या कट ऑफ है, वो है आपकी 360 नंबर, यानी कि 360 नंबर आपकी जो है सीएमपी डिग्री कॉलेज में बीएससी मैथ्स की अभी कट ऑफ है। एंड बात करें आपकी एससी कैटेगरी की, तो यहाँ जो है आपके ऑल कैंडिडेट्स एप्लीकेबल हैं इन एससी कैटेगरी। ये हो गया आपका बीएससी मैथमेटिक्स का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बीकॉम कोर्स। तो यहाँ देखिए, बीकॉम कोर्स में आपका जो भी है एससी एंड एसटी वाले जो हैं, ध्यान से सुनिए, एससी और एसटी वाले स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ जो है कट ऑफ आई हुई। एंड कट ऑफ में भी आपका जो है ऑल कैंडिडेट्स को यहाँ बुलाया गया है आपका एडमिशन के लिए। तो अगर आप लोग यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपके कितने भी मार्क्स हों आप यहाँ जो है एडमिशन ले सकते हैं सीएमपी डिग्री कॉलेज में। बीसीए कोर्स की बात करें, तो यहाँ भी ऑल कैंडिडेट्स एप्लीकेबल हैं। बात करें अगर आपका बीएससी बायो कोर्स की, तो बीएससी बायो में भी जो आपका है जितने भी कैटेगरी वाइज स्टूडेंट हैं आपके, जो भी आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी, एससी, एसटी, तो यहाँ भी आपके जो है सारे कैंडिडेट्स एप्लीकेबल हैं अपना एडमिशन लेने के लिए। तो जो भी लोग हैं अगर पर्टिकुलर कैटेगरीज से बिलोंग कर रहे हैं, तो अपना जो है एडमिशन ले लीजिए सीएमपी डिग्री कॉलेज में, क्योंकि काफ़ी अच्छा मौका मिल रहा है आपको सीएमपी डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो इस मौके को मत छोड़िए, क्योंकि सीट्स भी अभी काफ़ी लिमिटेड है। उसके बाद देख लेते हैं आपका BA LLB कोर्स के लिए, देखें जो आपकी लास्ट कोर्स है एंड इसकी जो कट ऑफ्स वगैरह आई हुई हैं। बात करें अगर EWS कैटेगरी की, तो EWS कैटेगरी में आपकी जो है 406 नंबर यहाँ कट ऑफ आ रही है, यानी कि 406 मार्क्स से अगर आपके ज़्यादा हैं या इतने मार्क्स हैं, तो आप यहाँ काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल हैं सीएमपी डिग्री कॉलेज में। उसके बाद देखें आपका ओबीसी कैटेगरी का, तो ओबीसी में आपकी जो कट ऑफ है वो है आपकी 380 नंबर। तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप यहाँ काउंसलिंग करा सकते हैं। अब देख लेते हैं आपका एससी कैटेगरी के लिए क्या है कट ऑफ। एससी कैटेगरी के लिए आपके जो है अगर आपके 205 नंबर हैं, तो आप यहाँ काउंसलिंग करा सकते हैं। यानी कि अगर आपके 205 मार्क्स हैं, तो आप यहाँ काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। एंड जो भी है आपका, यही हो गई आपकी कट ऑफ। यही था कल की कट ऑफ के लिए पूरा मैंने काउंसलिंग शेड्यूल को यहाँ डिस्कस किया, साथ ही साथ मैंने बताया यहाँ आपकी जो भी है कट ऑफ्स के बारे में। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।